दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉफिट और लॉस का अभी चैप्टर चला रहे थे। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग टाइप के हैं और उसको करने में थोड़ा सा अलग अलग ट्रिक्स लगती है। तो चलिए प्रॉफिट और लॉस का हम लोग चौथा वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। फ्रेंड्स, ये पता लगाना है, उसके चार ऑप्शन दिए हैं। चलिए हम बहुत इजीली हम ट्रिक वाइज देखते हैं इसकी कौन सी ट्रिक होगी। ठीक है, तो ट्रिक देखें, इसका क्रय मूल्य कितना कह रहा है 20 और विक्रय मूल्य कितना कह रहा है 21, यानी इन दोनों में कितना ज्यादा है 1 का डिफरेंस है और क्रय मूल्य से लाभ निकलता है। क्रय मूल्य कितना है 20 और परसेंटेज जब भी निकालना हो तो किसका यूज करेंगे 100 का, तो 25 100 यानी आंसर आएगा आपका 25%, मतलब सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगले देखें, किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब फ्रेंड समझ लें यहां पर कि यदि हमने इसको इतने 69.60 रुपए में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है, मतलब 69.60 जो है वास्तव में है कितना परसेंट, 75% और इसका क्रय मूल्य तो 100% ही निकलेगा, यानी 25 × 100 और 3 × 75 और 3 से यदि हम काटेंगे 3 × 6 = 9 और 3 × 6 यानी हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 20 × 80 और 23 × 6 कितना होगा 12 और 4 × 8 = 9 यानी 92 रुपीज 80 पैसा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर हमें 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक रकम प्राप्त होती है और वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, यानी आपको 100 रुपए की कोई वस्तु है, 20% लाभ पर बेचते हैं, 120% पर बेचना है। यदि बेचते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि 20% हानि, यानी 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचने पर उसकी तुलना में हमें 60 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। वैसे परसेंटेज में देखेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है 40%, तो 40% यानी कितने रुपए 100 रुपए, तो 100% यानी कितने रुपए निकलेगा। फ्रेंड्स, बहुत इजीली निकालोगे, यानी 40 में 2.5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना 100, तो वैसे ही 60 में भी 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 150, ठीक है, तो आंसर आपका आएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ने यदि कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, ठीक है, समझ में आता है ना, यानी 25% लाभ पर बेची, कोई एक्स मान लो आप, तो यानी 125% यानी 125/100 और बी ने वही वस्तु 20% लाभ पर बेची यानी उसी का 120%। अब सी ने डी को भी वही 10% लाभ पर बेची, अब बोल क्या रहा है, यदि डी ने इसको कितने रुपए में खरीदा हो 330 रुपए में, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, तो हम इसको इजीली थोड़ा काटा पीटी करेंगे। फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये भी जीरो चला गया, 25 × 5 = 125 और 25 × 6 = 100, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट काट रहा हूं मैं, 11 × 11 और 11 × 3 = 33, 30 आ गया, ठीक है, और यदि हम इजीली काटना चाहें तो ये 4 × 4 और 4 × 3 = 12, 3 से ये जो 30 कितने बार कट गया 10 बार कट गया, ये 5 से ये 10 कितने बार कट गया 2 बार कट गया, ठीक है। अब तो और कुछ कटने की गुंजाइश है नहीं, तो हमारा x बराबर से आ जाएगा 20 × 10 यानी, तो 20 × 10 यानी कितना रुपए 200 रुपए इसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है, यानी हमारा आंसर होगा ए। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार चीनी को
इस प्रकार बेचता है। चलिए तो इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यदि मान लेते हैं कि वो 950 रुपए की खरीद के लाता है और 1000 रुपए में बेच देता है तो उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मैंने बताया हमेशा फॉर्मूला होता है पी अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, एक जीरो से ये जीरो चला गया और इसको यदि हम इसको काटते हैं तो 5 × 10 और ये कितने बार कटेगा, 19 बार, यानी हमारा उत्तर लगभग 100/19, तो 5 बटे 19% ये आएगा। इसमें से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो लगभग आप मान लेंगे 5 बटे 19%। चलिए अगला क्वेश्चन है 15, क्या कहता है, यदि निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का, तो वैसे ही है, एक्स का 110%, फिर 115%, फिर 125%। ठीक है, तो उसका उत्पादन मूल्य कितना हो जाता है, 1265 रुपए। तो इसका सीपीएन कॉस्ट प्राइस बताना है तो बहुत सिंपल है, 25 से काट देते, 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 100, एक जीरो से जीरो भी कट गया, 11 से काटते हैं तो 11 से 11 × 11, फिर 11 × 11 और 115 से 115 कट गया। ठीक है, अब अपने पास बचा ये 5 से 100 कितने बार कटेगा, 20 बार हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा, ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू आ जाएगा 800 रुपीज। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा लॉजिक आप क्रिएट करेंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं 16th क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है और इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो टोटल उसने कितने के खरीदा, 144 रुपए के खरीद लिया। अब 20 अंडे टूट गए, तो 20 अंडे टूट गए तो अब उसके पास 144 अंडे में से 20 टूट गए तो उन्हें 124 अंडे बच गए। अब 124 सॉरी ये तो नंबर ऑफ अंडे हैं, मतलब एक्स है। अब वो उनको बेचता है 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेच देता है, तो इसका मतलब कि 124 × 1.20, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स लगभग 148 रुपए लगभग आ जाएगा 80 पैसे। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 4 रुपए 80 पैसे। ठीक है, अब 4 रुपए 80 पैसे तो निकालना है, लेकिन वो भी किससे निकालना है, 144 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, है ना। तो बहुत आसानी से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये आपका वही हो गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। तो इसको ये डेसिमल हटाने के लिए मैं 2 जीरो लगा देता हूं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब 480 को यदि हम 144 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 से काट देते, 12 × 48, 12 × 12 = 144, और यदि हम काटेंगे तो हम किससे काट दें इसको, 4 से ही काट दें, 4 × 40, 4 × 12, यानी 10/3, यानी 3 से ही 1/3% आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है तो क्रय मूल्य कितना था। देखिए मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए,
अब 21 रुपए में यदि वो बेचता है तो हमें क्या है इसमें 21 रुपए के प्रतिशत ही बराबर हानि होती है, ध्यान देना। तो इसका मतलब है कि इसका ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, मान लेते हैं एक्स का कितना परसेंट, देखना एक्स का 100 माइनस एक्स यदि निकाल लेंगे तो यही तो बचेगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब ये इसका विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपए, समझ गए आप। तो हम एक्स का 100 माइनस, ये परसेंट निकाल रहे फ्रेंड्स, है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर से कितना रुपए, 21 रुपए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स, करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मेरी लिखावट में प्रॉब्लम आ रही होगी, 100 एक्स इक्वल टू 2100, और इसका यदि हम साइड ट्रांसफर करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स और प्लस कितना आएगा 2100। अब इसके फैक्टर बनेंगे फ्रेंड्स, तो फैक्टर बनेंगे तो x माइनस 7 के 21 फैक्टर बन जाएंगे फ्रेंड्स, तो x माइनस 70 और x माइनस 30, ये जो हो जाएंगे दो फैक्टर हो जाएंगे ना, x के दो आंसर आएंगे, एक तो 70 और दूसरा 30, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वाला। फ्रेंड्स किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखेंगे यहां पर क्या करता है वो, कि मान लेते हैं वो x रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब वो x रुपए में बेचने पर उसका यानी ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 25% के बराबर ही वो लाभ कमाता है, यानी उसका प्रॉफिट कितना है x का 25%, थोड़ा ध्यान से समझे यहां पर। अब इसका मतलब है x का 25% यानी x मल्टीप्लाई बाय 25/100, ठीक है, यानी 25 × 100 यानी कितना आ जाएगा x बाय 4। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, x माइनस x बाय 4 यानी कितना आ गया 3x/4, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब हम इसका प्रॉफिट निकालते, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, तो प्रॉफिट है हमारा x बाय 4 और हमारा कॉस्ट प्राइस है 3x/4 और मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 4 से भी गया, ये x से भी कट गया, तो ये आ गया 100/3 यानी 33 1/3%, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स चलिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको टॉपिक वाइज बनाने के लिए सोचा है, तो हमारे आने वाले वीडियो में इसके आगे के आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।